Hi, this is Maham Junaid from Etfolio International Education Counselors. Today we are discussing about why we choose to study in Canada. Students think के वहाँ पे process जो है वो काफ़ी complicated है because उन्हें लगता है कि वो admission requirements को meet नहीं कर पाएंगे क्योंकि कभी कभी उनकी जो percentage है वो काफ़ी low हो जाती है. ऐसा नहीं है. अगर मैं बात करती हूँ intermediate के एक student की और उनकी percentage अगर आ रही है 50s में तो ऐसा नहीं होता कि वो admission के लिए पॉसिबल ही नहीं है उनका एडमिशन. आप एसोसिएट डिग्रीज ऑप्ट कर सकते हैं, वहाँ पर डिप्लोमाज होते हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो, उसके जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं. डेट मीन्स कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ता, आपके जो 2 ईयर्स आपने स्टडी करी होती है वो आपके बैचलर्स में मर्ज हो जाती है. सेम गोज फॉर मास्टर्स. अगर मैं मास्टर्स की बात करती हूँ तो स्टूडेंट जो डायरेक्ट एलिजिबल नहीं हो पा रहे होते मास्टर्स के लिए, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज भी ऑप्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स जिनके पास आइल्स नहीं है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए वो शो नहीं करवा सकते तो उन्हें कंडीशनली भी एक्सेप्ट किया जाता है. आप कंडीशनल ऑफर लेटर के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो. आगे अगर आप फ्यूचर में आइल्स देना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हैं. एंड कुछ स्टूडेंट्स जिनके लिए आइल्स के लिए प्रॉब्लम हो रही होती है तो आप ड्यूलिंगो का टेस्ट भी दे सकते हो. दो स्ट्रीम्स हैं आपकी वीज़ा की, एक है SDS और दूसरी है नॉन SDS. SDS पॉलिसी में आपकी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. फर्स्ट GIC गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, सेकंड आपकी 1 ईयर कंप्लीट ट्यूशन फी आपको पाकिस्तान से पे करनी पड़ती है, एंड थर्ड इज़ IELTS 6 ओवरऑल एंड 6 इन ईच मॉड्यूल. और सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ का PR. अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ के हवाले से बात करूँ तो कनाडा का PR सबसे बेहतर है. दूसरी बात ये कि रिकमेंड करूँगी कि ऑनटेरियो साइड पे जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे PR पॉलिसी थोड़ी सी टफ है. ठीक है, इस तरीके से अगर हम अटलांटिक प्रोविंसेस देखते हैं लाइक न्यू ब्रंसविक एंड नोवा स्कॉशिया टाइप प्रोविंसेस देखते हैं तो वहाँ पे PR पॉलिसीज़ काफ़ी ईजी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स.